नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको अमीरों जैसी जिंदगी जीने का नुस्खा बताऊंगा, जिससे आप अमीरों जैसी जिंदगी जी सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों ऐशो आराम की जिंदगी जीना हर कोई चाहता है, लेकिन आज के समय में जिनके पास पैसा है वही व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन आज के समय में अमीर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपके पास ज्यादा पैसा हो, और ज्यादा पैसा किसी व्यापार से ही कमाया जा सकता है। लेकिन व्यापार के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है, लेकिन पैसा ना हो तो यह सब कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए आपको बताता हूं कि अमीर बनने के लिए या अमीरों जैसी जिंदगी जीने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियो का पता चल सके। दोस्तों ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए या तो आपके पास पैसा हो या फिर आपका शुक्र शक्तिशाली हो। शुक्र आपकी लाइफ को लग्जरी बनाता है और आप अमीर की जिंदगी जी सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो शुक्र को मजबूत कर बनाना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र मजबूत है तो आपको ऐशो आराम की जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्र अगर बलवान है तो आपका जीवन ऐशो आराम का जीवन जिएंगे। लेकिन शुक्र को बलवान करने के लिए आपको पहला उपाय, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद एक लोटे जल में थोड़ा सा गंगा जल और उसमें पुष्प तथा थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित करें, लेकिन पानी को जमीन पर ना गिरें, किसी गमले में या किसी तुलसी में इस पानी को डालें। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर दूसरे और तीसरे स्थान पर है तो अचल संपत्ति के मालिक बनते हैं। बंगला गाड़ी आदि सभी चीजें जीवन में मिलती हैं, सुंदर घर भी प्राप्त होता है। अगर आप शुक्रवार को पीले चावल और पीला कपड़ा किसी गरीब को दान करते हैं तो कुंडली में शुक्र दूसरे और तीसरे घर में मजबूती से बैठ जाता है और जीवन में सभी ऐशो आराम आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। कुंडली में शुक्र ग्रह अगर कुंडली के चतुर्थ स्थान पर में बैठा है तो जातक को कई भवन, भूमि, वाहन और लग्जरी गाड़ियां भी मिल सकती हैं। और इसको मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी शिवलिंग पर मिश्री, दूध, मक्खन आदि को अर्पित करने के बाद मक्खन तथा मिश्री का प्रसाद लोगों को वितरित करें। ऐसा करने से कुंडली के चतुर्थ स्थान पर शुक्र मजबूत होकर बैठ जाएगा और जीवन में आपको पैसे का पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना पैसा आने लगा है। कुंडली में पंचम स्थान पर बैठे शुक्र अगर कमजोर है तो आपके लिए शुक्र की दृष्टि सातवें घर की दृष्टि पर पड़ती है और इसका सीधा असर आपकी आय पर पड़ता है। अगर आपकी आय ज्यादा होगी तो जीवन को ऐशो आराम से जी सकते हैं। इसके लिए उपाय यह है कि किसी भी लाल कपड़े में एक पानी वाला नारियल डालकर उसमें एक लड्डू को रखकर शुक्रवार को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ऐसा करने से शुक्र पंचम स्थान पर मजबूत होकर जीवन को विलासिता से भर देगा और धन, पैसा, गाड़ी, मकान आदि की कमी खत्म हो जाएगी और अमीरों जैसा आप जीवन जीने लगेंगे। शुक्र ग्रह की स्थिति को आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं कि शुक्र कौन से स्थान पर बैठा है, और अगर आप केवल यह उपाय कर लेते हैं तो उपाय करने मात्र से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा, बलवान हो जाएगा और आप अमीरी जैसा जीवन या ऐशो आराम वाला जीवन भी जी सकते हैं। इसलिए इन उपायों को करके आप अपने शुक्र को मजबूत कर लें और अमीरी को पा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज के अंक में कि आप कैसे अपने शुक्र ग्रह को मजबूत कर सकते हैं और अपने जीवन को ऐशो आराम से भर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक नया नुस्खा, नया उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।